अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, आईएलटीएस के हवाले से, एजुकेशन इन इटली, स्कॉलरशिप, किसी भी चीज़ के हवाले से, स्टडी इन इटली के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं इटली की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम कैसे बनाएं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जब आते हैं तो वो अपने साथ 3-4 महीनों या 5 महीनों का खर्चा अपने साथ लाते हैं, तो उनको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। और स्कॉलरशिप जो विनर होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप के लिए भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्कॉलरशिप वालों को आपने अपना IBN नंबर देना है, तो उसी अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखो, जब भी आप बैंक अकाउंट के लिए जाते हो, मीन्स जब आप न्यू बैंक अकाउंट बनाते हो अपने लिए, तो वहाँ पे बैंक में ज़रूर बताइए कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। तो उनके पास ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिनका खर्चा बहुत कम होता है, पर मंथ 2 यूरोज होता है या इससे भी कम होता है, तो वो आप ज़रूर जाने। ऐसा मैं एक बैंक का नाम मेंशन कर दूंगा, जिस तरह कसिनो सिटी में एक बैंक है, बैंक ऑफ द पॉपुलरिया, तो वो आपको पर ईयर 10 यूरोज चार्ज करेगा। उनके पास ऐसा भी एक अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट का ज़रूर पूछें। तो वो सेम अकाउंट होता है, उसमें कोई भी वो नहीं होता कि यहाँ ये दूसरे अकाउंट से चेंज है या इसमें कोई डिफरेंस है, बस वो स्टूडेंट्स के लिए एक पैकेज है, पर ईयर आपसे जस्ट 10 यूरोज चार्ज करेंगे। दूसरे बैंक्स हैं जो आपको पर मंथ के 3 यूरोज, 4 यूरोज या 5 यूरोज तक भी चला जाता है, तो ये बात ज़रूर जहन में रखें ताकि आपसे ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो जाए। ये स्टूडेंट अकाउंट ज़्यादा सिक्योर भी होता है, लेकिन जब भी आपसे कार्ड, ATM कार्ड आपसे कहीं आगे पीछे गुम हो गया, तो आप डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन से भी कार्ड को क्लोज कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट को वहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, या डायरेक्ट आप बैंक की तरफ जाओ और वहाँ उनको कहो कि मुझसे कार्ड गुम हो गया है, मेरे ट्रांजेक्शन्स ना हो जाए मेरे कार्ड से या मेरे पैसे अकाउंट से आगे पीछे ना हो जाए, तो इसलिए मेरा अकाउंट अभी ब्लॉक कर दे। डॉक्यूमेंटेशन पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास फिस्कल कोड होने चाहिए। फिस्कल कोड आपको एजेंसिया दी इंत्राता से मिलेगा और इसका प्रोसीजर मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कोड आपने कहाँ से और कैसे लेना है। और ये इटालियन टैक्स कोड होता है, ये आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हो पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से, लेकिन जब आप इटली पहुँचे तो सबसे पहले उसी ऑफिस में जाओ ताकि वो आपको एक स्लिप दे दे और आपका कार्ड भी बन जाए फिस्कल कोड का। ये कार्ड आपको जिस एड्रेस, जो भी एड्रेस आप उसी टाइम पे दे दो, अपना रेजिडेंस एड्रेस आप दे दो वहाँ पे, तो वो आपको 10 डेज या 15 डेज में उसी एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। इसके साथ साथ आपके पास परमेसो कार्ड ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वैलिड होनी चाहिए। आपके पास अगर परमेसो एक्सपायर है तो वो आपके लिए बैंक अकाउंट नहीं बना सकते। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट लेटर है तो वो भी बेस्ट होगा, वो अक्सर मांग भी लेते हैं कि आप स्टूडेंट हो तो आपका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास अपनी पासपोर्ट पिक्चर ज़रूर होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की आपके पास उसी टाइम पे फोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए, वो लोग आपके लिए फोटोकॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात भी ज़रूर याद रखो, किसी भी बैंक में आप जाओ तो यहाँ, अगर छोटी सिटी में आप जाओगे किसी भी बैंक में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कसिनो में किसी बैंक में आप जाओगे, तो इन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता और आपने इंटरेक्शन इटालियन में करना है। सबसे पहले आपने अपने लिए टोकन लेना है, तो टोकन लेके आपने 30-40 मिनट्स या 1 आवर तक आपने वेट करना है, उसके बाद आपकी बारी आ जाती है। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक भी मिसिंग हो या उनके रिक्वायरमेंट्स आप फिर भी देख लेना, किसी भी बैंक में आप जाओ तो उनके रिक्वायरमेंट्स आप देख लेना कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स है या इनसे बन जाएगा तो आप ज़रूर जाए उसी बैंक में, लेकिन अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कौन से बैंक में हम अपना अकाउंट बनाएं, तो मैं सजेशन देता हूं कि आप बैंक ऑफ द पॉपुलरिया में अपना स्टूडेंट अकाउंट बना दें, तो उसके चार्जेस कम होते हैं। अदरवाइज़ आप पूछते हैं इटालियानो में अपना अकाउंट बनाएं, उसके चार्जेस भी कम है और उनके ब्रांचेस हर एक छोटे बड़े सिटी में मौजूद है। बैंक में आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस बैंक के लिए, इस अकाउंट के लिए मैं कौन कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड करूं, वो उसी वक्त आपको बता देंगे कि ये एप्लीकेशन, और अपना पिन कोड ज़रूर याद रखना, क्योंकि किसी भी जगह बैठ के किसी भी कंट्री से आप अपना फिर अपने लिए ऑनलाइन टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन आप दूसरे को पैसे भेज सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चाचाओ।